शहर के मध्य में स्थित एक अनोखे कैफे में दो दोस्त पवन और तनु एक दूसरे के सामने बैठे थे। लटकती परी रोशनी की हल्की चमक उनके चारों ओर एक गर्म माहौल बना रही थी। पवन, एक प्रसन्न चित्त और साहसी व्यक्ति, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। विचारशील और रचनात्मक तनु ने कॉफी पीते हुए उनकी एनिमेटेड कहानियां ध्यान से सुनी। पवन, मुस्कुराते हुए, आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले सप्ताह में मेरी लंबी पैदल यात्रा के दौरान क्या हुआ था। हम इस छिपे हुए रास्ते की खोज कर रहे थे और अचानक एक हिरण हमारे ठीक सामने आ गया, मानो वह हमें जंगल में आगे ले जाना चाहता हो। तनु, मुस्कुराते हुए, यह किसी जादुई जंगल का दृश्य जैसा लगता है। क्या आपने कोई फोटो खींची? पवन, अपना फोन निकालते हुए, बिल्कुल, इस अविश्वसनीय शॉट को देखें जो मैं तब लेने में कामयाब रहा जब हिरण एक झिलमिलाते झरने की पृष्ठभूमि के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति हमारे लिए ही पोज दे रही हो। तनु, फोटो की प्रशंसा करते हुए, वाह पवन, तुम में सबसे मनमोहक क्षणों को कैद करने की क्षमता है। आपको वास्तव में फोटोग्राफी का शौक है। पवन, थोड़ा शर्माते हुए, धन्यवाद तनु। प्रतिभाओं की बात करें तो क्या आप हाल ही में अपनी पेंटिंग पर काम कर रहे हैं? तनु, मुस्कुराते हुए, दरअसल हाँ, मैं नई तकनीकों और रंगों के साथ प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने अमूर्त परिदृश्य बनाना शुरू कर दिया है जो केवल दृश्यों को चित्रित करने के बजाय भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह एक बहुत ही मुक्तिदायक अनुभव रहा है। पवन, उत्सुकता से, यह दिलचस्प लगता है। आपको पता है क्या ठीक होगा यदि हम एक सहयोगी परियोजना के लिए आपकी अमूर्त कला को मेरी प्रकृति फोटोग्राफी के साथ जोड़ते हैं? तनु, आंखें चमकती हुई, यह एक शानदार विचार है। हम एक श्रृंखला बना सकते हैं जहां आपकी शानदार तस्वीरें मेरी पेंटिंग्स जैसी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। यह प्रकृति और कल्पना का मिश्रण होगा। पवन, उत्साहित होकर, बिल्कुल, हम इसे प्रकृति का कैनवास या ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। मैं पहले से ही हमारे काम से भरी गैलरी की कल्पना कर सकता हूँ जो लोगों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ कला और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तनु, सिर हिलाते हुए, प्रकृति का कैनवास तो यह है। आइए इस परियोजना पर विचार मंथन और योजना बनाना शुरू करें। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि हमारी प्रतिभाएं एक साथ कैसे मिश्रित होती है। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, गर्मियों की रात में जुगनुओं की तरह विचार उनके चारों ओर गूंजने लगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस कैफे में उनकी आकस्मिक मुलाकात एक रचनात्मक यात्रा को जन्म देगी जो न केवल उनकी दोस्ती को गहरा करेगी बल्कि कला जगत पर एक अमिट छाप भी छोड़ेगी।